नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। भारत ने धार्मिक आजादी पर अमेरिकी रिपोर्ट को किया खारिज, कहा देश स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम। भाजपा ने जारी की लोकसभा विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची, आजमगढ़ से निरहुआ को टिकट। भारत में मंकी पॉक्स की दस्तक, 5 वर्षीय बच्ची में दिखे मिलते जुलते लक्षण। एनआईए कोर्ट ने मसीउद्दीन को सुनाई उम्रकैद की सजा, 2017 में किया गया था गिरफ्तार। सैन्य भर्ती योजना को केंद्र मंत्रिमंडल की मंजूरी, जल्द आज होगी उच्च स्तरीय बैठक। पैरालंपिक में देश को 2 पदक दिलाने वाले शूटर समेत 6 सदस्यों को नहीं मिला वीजा, वर्ल्ड कप खेलने का सपना भी टूटा। डीजीसीए का निर्देश, दिव्यांग यात्रियों को ले जाने से इनकार नहीं कर सकती एयरलाइन कंपनियां, नियमों में संशोधन का मसौदा तैयार। सीएम बंबई ने विवाद पर दी प्रतिक्रिया, बोले हमारी सरकार बसव पथ की संतों से की जाएगी चर्चा। गृह मंत्री की बैठक में हुआ फैसला, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब पर बनी रणनीति, देर रात हिजबुल सरगना ढेर। गवर्नर ने दिए अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, टीएमसी सांसद ने फिर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर घटना में 45 मिनट तक हजारों की भीड़ के सामने रहे 7 पुलिसकर्मी, जाबाज सिपाही ने जीप से ही उपद्रवियों को दौड़ाया। बीएसएफ कर रहा काउंटर ड्रोन और एंटी टनल तकनीक पर काम, आईएनएस अक्षय और निशंक 32 साल बाद रिटायर। मुंबई में युगांडा की महिला के शरीर से निकाले गए हेरोइन और कोकेन भरे 64 कैप्सूल, कीमत 3 करोड़ रुपए। किडनी रैकेट में 10वीं पास, कुलदीप ही निकालता और लगाता था किडनी, बड़ा खुलासा। चाइना में 100 से ज्यादा विमान यात्रियों की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो चीन की बैलिस्टिक मिसाइल एक झटके में छीन लेती जिंदगी। मोहन भागवत का बयान, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं, संघ प्रमुख इस बयान पर देवबंद, शिवसेना खुश। कानपुर घटना, साजिश रचकर कराया बवाल, घरों की छतों पर रखे थे पत्थरों के ढेर, इसलिए भड़का माहौल। ज्ञानवापी में पूजा अर्चना पर अड़े स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद, अपने मठ में अनशन पर बैठे भारी सुरक्षा बल तैनात। भाजपा कार्यकर्ता ने तोड़ा दम, माकपा समर्थकों के साथ झड़प में हुआ था घायल। कृषि व निर्माण उपकरणों में इथेनॉल के इस्तेमाल की तैयारी, गडकरी बोले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक जल्द आएंगे। गांव से लेकर शहर तक के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने की घोषणाएं, श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व में हुए काम। ज्ञानवापी पर भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा नजरअंदाज ना करे संघ प्रमुख की बात। ओवैसी का बयान संघ का यह पुराना ढर्रा, ऐसे ही झाड़ लेता है पल्ला, मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने खड़े किए सवाल। कश्मीर में घुटनों पर गोली मारी, तड़पता छोड़कर लस्सी पीने लगे आतंकी, कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक कहानियां। शिवसेना नेता संजय राउत ने की राज्यसभा चुनाव टालने की मांग, भाजपा को दी चेतावनी। महाराष्ट्र में 2 दशक बाद राज्यसभा चुनाव की नौबत, 6 सीटों के लिए कड़ा मुकाबला। पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले फिर 4000 के करीब, 26 की मौत, सक्रिय मरीजों की संख्या 22000 के पार। मूसेवाला हत्याकांड के लोरेंस बिश्नोई का बयान, बोला टीवी देखकर हत्या का चला पता। अपने आप से शादी करने के गुजराती लड़की के फैसले पर भाजपा नेता नाराज, बोली हिंदुओं की आबादी कम होगी।
सीबीआई ने हैदराबाद की कंपनी पर मारा छापा, एजीएम और सहायक कमांडेंट सहित सात गिरफ्तार। जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान, श्री रंग पटना चलो के आह्वान के बाद धारा 144 लागू। गुजरात में सात पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी पर एटीएस का खुलासा, जांच दल को देखते ही डर गए थे तस्कर, ड्रग्स से भरे बेगों को समुद्र में फेंक दिए। संरक्षित वन क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगा निर्माण और खनन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। IL&FS को लेनदारों के 16,631 करोड़ रुपए लौटाने के मिले आदेश। शेयर बाजार में हुई सबसे बड़ी गलती, 250 करोड़ का नुकसान। ईडी की कार्रवाई, इफको के एमडी यूएस अवस्थी की 20.96 करोड़ रुपए की आवासीय संपत्ति जब्त की। केंद्र ने 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखी चिट्ठी, कोरोना को काबू करने को लेकर दी हिदायत। आंध्र प्रदेश में पोरस लेबोरेटरीज में गैस लीक की घटना, 178 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। कानपुर घटना में पुलिस की हिरासत में मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, आरोपी का विवादों से गहरा नाता। गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम योगी ने किया स्वागत। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया खुलासा, 8 महीने पहले ही इस देश से मंगवा लिए थे आधुनिक हथियार, ये सच जान, पुलिस हैरान। उत्तराखंड में विवादों में घिरा एकता सम्मेलन, कल होने वाले आयोजन निरस्त, डीजीपी समेत धर्मगुरुओं के शामिल होने का किया जा रहा था प्रचार प्रसार। वहीं अगस्त में हिमाचल में नहीं हो सकेगी शराब की तस्करी। हिमाचल प्रदेश में नशेड़ी के ही जाल में फंस गई एसआईयू, 50,000 और मोबाइल फोन दिया। हिमाचल में परीक्षा में 80% परिणाम देने वाले शिक्षकों को मिलेगी विशेष वेतन वृद्धि। अनंतनाग मुठभेड़ में हिजबुल का टॉप कमांडर देर रात ढेर, सेना के 3 जवान व नागरिक घायल। सिद्धू मूसेवाला के पिता को संगरूर उपचुनाव में उतारने की मांग, समर्थन में आई कांग्रेस। आज चंडीगढ़ में अमित शाह से मिलेंगे मूसेवाला के परिजन, करेंगे न्याय की मांग। हाईकोर्ट में इनेलो नेता गगनजोत संधू ने की खुद पर दर्ज मामले की सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट ने मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। राज्यसभा इलेक्शन के लिए बसपा ने विहिप जारी किया, विधायकों को निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करने का निर्देश। पटना के कुम्भरहार में मिली 2000 साल पुरानी ईंट की दीवार, कुषाण काल का होने का दावा। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध निर्वाचित, भाजपा ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार। वहीं अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन में शामिल लोगों को मिलेगी पेंशन योजना। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।